इंतजार की घड़ियां खत्म। एबीपी न्यूज पर योग सम्मेलन में अब हमारे साथ मौजूद हैं योग गुरु बाबा रामदेव। परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है, योग को मुहिम की तरह इन्होंने हर जगह फैलाया है, घर घर में अगर आज योग बचता है तो बाबा रामदेव का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश में वो योग को लेकर गए हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी कभी अपने आसन के माध्यम से वो राजनीति में भी हलचल मचाते रहते हैं। तो बहुत तालियों के साथ स्वागत कीजिए योग गुरु बाबा रामदेव का मंच पर, जो बताएंगे योग से कैसे रहे निरोग, और उनके साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। बहुत शुक्रिया नेहा, बहुत स्वागत है बाबा रामदेव जी आपका। योग गुरु, हठ योगी, या फिर ये कह सकते हैं बदलते वक्त के साथ एक बदलता कारोबारी, बहुत सारे नाम आप दे सकते हैं बाबा रामदेव को, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि योग और बाबा रामदेव एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर घर घर में हिंदुस्तान के आज योग को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है तो वो बाबा रामदेव की वजह से। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बाबा रामदेव का। बाबा जी, इसके पहले मैं शुरुआत करूं सवालों की, 21 जून को एक बार फिर से हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं और योग सम्मेलन एबीपी न्यूज ने ये जो खास कार्यक्रम कर रखा है उसमें आपने शिरकत की है, आपकी क्या तैयारी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर? देश के सभी 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में और 1,00,000 से ज्यादा गाँवों में हमारे कार्यकर्ता सबको योग सिखाएंगे और हमारा संकल्प है हम पूरे भारत और विश्व को योगमय बनाएंगे, एक स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस इज आवर ड्रीम एंड इसको हमें अचीव करना है। क्योंकि मैंने काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, आयुर्वेद, स्वदेशी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बहुत तरह के कार्य किए हैं, कर रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं दुनिया में सबसे बड़ा कार्य यदि कोई है तो एक अच्छे इंसान का निर्माण करना, और अच्छा इंसान योग से बनता है, ये पक्की बात है। बीमारियां तो मिटती हैं, बिल्कुल। योग करो, पहले दिन से आपका बीपी कंट्रोल में आएगा और थोड़े दिनों में क्योर हो जाएगा, बड़ी बात कह रहा हूं। शुगर कंट्रोल में आएगा और शुगर क्योर हो जाएगा, थायराइड क्योर हो गया, एस्थमा, आर्थराइटिस, एसिडिटी, SLMS, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर तक हमने क्योर किया है। लेकिन ये सब बातें छोटी हैं, बिल्कुल। डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा। अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा। और ये योग से ही हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है कि व्यक्ति जो निम्न चेतना पर जी रहा है उसको उच्च चेतना पर ले आना, क्योंकि मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। वो लेकिन इतनी बड़ी विशेषता होने पर भी गिरे तो वो शैतान हैवान और उठे तो वो भगवान हो जाता है। ये योग नर से नारायण होने की, जीव से ब्रह्म होने की, इंसान से भगवान होने की यात्रा है। और इस पर एबीपी ने पहल की है योग सम्मेलन की, इसके लिए मैं अपनी ओर से और इन सब की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ा कार्य किया आपने, आपको रखे आगे, ये स्लोगन है एबीपी का, तो आपको आगे रखने का काम एबीपी तो करता ही है, लेकिन जिंदगी के हर मुकाम पर आगे रखने का काम योग करता, और हमने वो करके दिखाया है। और योग को रखे आगे, ये आपका नारा है। चलिए आगे बढ़ते हुए, चूंकि इस बार योग दिवस का जो थीम है वो डायबिटीज है, और हिंदुस्तान में तकरीबन 7 करोड़ ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, और वो योग के माध्यम से अपने आप को कैसे बेहतर बना पाए ताकि उनकी जिंदगी अच्छी हो सके। और पिछले 13 सालों का आंकड़ा तो कहता है कि डायबिटिक पेशेंट दुगने बढ़े हैं, तो ऐसे में आप कौन सा योग करके हमें दिखाएंगे जिनके जरिए उनके जीवन की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सके? देखिए, गवर्नमेंट का टारगेट हो सकता है एक बीमारी पर, मेरा टारगेट है भारत सभी बीमारियों से युक्त हो और सब बुराइयों से मुक्त हो। खाली एक काम योग से करो ये तो योग की तोहीन है भाई। इतनी बड़ी योग विद्या, उसको खाली आप एक बीमारी तक सिमेट करके रख दो। हाँ, डायबिटीज फ्री भी होगा भारत, मधुमेह मुक्त होगा, मोटापा मुक्त होगा, और उसमें वैसे तो बहुत अभ्यास है, लेकिन कपालभाति प्राणायाम डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा है, जिसमें हम श्वास को ऐसे बाहर छोड़ते हैं, इतना अच्छा, इससे पूरा पिनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, पिनक्रियाज के डीजनरेटिव बीटा सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं,
और जब ये बहुत अच्छे से हो जाएगा पेनक्रियाज एक्टिवेट, तो उसके जूस को बाहर निकालने के लिए पेनक्रियाटिक जो जूस जब बाहर निकलेगा तो पूरे बॉडी में फैल करके शुगर को बैलेंस करेगा। उसके लिए फिर कुछ आसन करने चाहिए, मंडूक आसन, यानी एक कपालभाति और एक मंडूक आसन, इतनी दो क्रियाएं भी कर लें तो डायबिटीज को आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। फिर डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, बिल्कुल, किसी की आंखें खराब हो जाती हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को किडनी की, किसी को फिर नर्वस सिस्टम की, यहाँ तक कि गैंग्रीन जैसी, फ्रोजन शोल्डर जैसी जनरल वीकनेस तो आती ही आती है। तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए फिर अनुलोम विलोम भी अच्छा होता है। इससे 72,72,10,201 नाड़ियाँ अच्छी हो जाती हैं, पूरा नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है, इम्यूनिटी हमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, ये एक राउंड हुआ। ऐसे 3 से 5 राउंड से प्रारंभ तो करें, और मैं तो 5-5, 10-10, 15-15 मिनट इसको कराता हूं, और इससे बीपी क्योर हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन इससे क्योर हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। और जो आसनों की मैं बात कर रहा था, तो ये सबसे अच्छा आसन है डायबिटीज के लिए, मंडूक आसन, मुठ्ठियां बंद कर लेते हैं ऐसे, और नाभि के दोनों ओर ऐसे मुठ्ठियां लगा के और आगे झुक जाते हैं, सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर दबाते हैं, इससे पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। मंडूकासन ये ऐसे भी कर सकते हैं, हाथों की हथेली ऐसे नाभि पर रख करके ऐसे भी कर सकते हैं, एक आसन में लगभग आधा मिनट ऐसे रुकना चाहिए, तब उसका पूरा बेनिफिट होता है। शरीर विज्ञान का मूल सिद्धांत है, जहां गति होगी वहां शक्ति पैदा होगी, और जहां गति नहीं होगी वहां दुर्गति होगी। ये तो मैंने आपको एक अभ्यास बताया, ऐसे 5-7 अभ्यास डायबिटीज के लिए किए जा सकते हैं। दूसरे भी अभ्यास हैं, जिस तरह से मंडूक आसन फायदा करता है, ऐसे ही योग मुद्रासन भी डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके लिए पद्मासन में बैठना पड़ेगा, पद्मासन में ऐसे बैठ करके, और जैसे हम मंडूक आसन में आगे झुके थे ऐसे ही श्वास को बाहर छोड़ के, ऐसे झुक जाएं और थोड़ी जमीन पर टिका देते हैं। इसके लिए पेट थोड़ा हल्का करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही कपाल भांति बताया, इससे पेट छट जाएगा। खीरा करेला टमाटर का जूस पी लें, लौकी का जूस पी लें, और गिलोय अद्भुत है डायबिटीज के लिए और मोटापा के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये योग मुद्रासन भी बहुत अच्छा है। अब चूंकि आपने मोटापे का भी जिक्र कर ही दिया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका इलाज चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कोशिशें करने के बाद भी और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इससे निजात नहीं मिलती है। आप मोटी होती तो आपको भी करवा देता, लेकिन आप काफी फिट हो और नेहा भी बहुत फिट है। यहाँ जितने भी मेरे सामने सामने बैठे हुए हैं, 2-4 को छोड़ करके काफी फिट है। ये हमारी बहन आई है, क्या नाम है, डाइटिशियन है, पूजा जी, ये भी बहुत फिट है। तो मुझे लगता है एक बहन जी बैठे हैं, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? देखो, जो है मोटापा के लिए वैसे तो बहुत तरह के योगाभ्यास होते हैं। आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो भी आपका मोटापा कम होता है, थोड़ा दौड़ लगा लो तो मोटापा कम हो जाता है, और कुछ नहीं तो खड़े खड़े थोड़ी जॉगिंग कर लो, इससे भी आपका मोटापा कम, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवर ईटिंग, ये दो मोटापा के बड़े कारण हैं। वैसे किसी किसी के खानदान में मोटापा होता है, बापू मोटा, बाप माँ भी मोटी, तो फिर खानदान में है ही वो कार्यक्रम, तो बच्चे मोटे हो जाते हैं, चाहे जेनेटिकली मोटापा हो या किसी कारण से। मैं आपको अभी अभ्यास बता रहा हूं, आप जरा गौर से देखना, मैंने आधा से लेकर के 2 किलो वेट लोगों का कम किया एक सेशन में, एक दिन की नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो इंस्टेंट योग वाला आदमी हूं,
अभी करो अभी पाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। लोग कहते थे योग करोगे अगले जन्म में मुक्ति मिलेगी, लोग कहते हैं भैया अपना काम नहीं, चलो छोड़ो। मैं कहता हूं अभी करो और अभी पाओ, तो मोटापा कैसे घटाओ? देखो एक तो ये अभ्यास, ऊपर वाला हाथ की हथेली नीचे के ऊपर हाथ कान से लगा, पहले धीरे धीरे ऐसे करना और बाद में तेजी से ऐसे 25-50 बार ऐसे कर लो, तो जो मोटी मोटी कमर है ना वो कमरा बन गई, वो पतली हो जाए एकदम। ये सब पर ऐसी पतली कमर चाहिए तो पतली कमर हो जाए, फिर ये क्रॉस करके त्रिकोणासन के बाद ये कोणासन है, फिर ये पाद हस्तासन, आगे पीछे से इधर मोटे इधर इधर मोटे, ये सब बहुत खराब लगता है। तो ये ऐसे आगे झुकना तो माथा घुटनों से लगाना, ऊपर उठना तो ऐसे पीछे ऐसे, जो मोटे मोटे हैं पहले धीरे धीरे बैलेंस बना के करना, पता लगा कि आगे पीछे लुढ़की गए ऐसे। तीन अभ्यास तो ये खड़े होके ठीक है, और ये दो अभ्यास कम से कम बैठ करके आगे पीछे ऐसे पूरे जाना, ऐसे गोल घुमाना, इसको चक्की घुमाना कहते हैं, चक्की आसन ऐसे आगे पीछे, इससे पेट एकदम बहुत हल्का हो जाएगा। फिर बैठ करके ऐसे इससे तक उड़ा पेट का ऐसे ना कचुमर सा निकल जाता है, एकदम पेट हल्का है। 25-50 बार ऐसे करो, पसीना निकलेगा और एक्सेस फैट मेल्ट होता चला जाएगा। और खास बात यहां और यहां नाभि के ऊपर नाभि के नीचे, किसी किसी का तो आधा आधा किलो, दो दो पांच पांच किलो, आधा आधा फिट नीचे लटकता है, किसी का पेट यहां से लटक के यहां तक आ जाता है, फिर भी शर्म नहीं आती, लिए घूमते रहते हैं। देखो ये आदमी ना कपड़ों में छिपा के रख लेता है, लेकिन ये आपको जो मैं अभ्यास बता रहा हूं, दो अभ्यास भी कर लेना, एक तो ये भुजंगासन ऐसे 10-20 बार ऐसे कर लेना, पहले धीरे करना बाद में तेजी से, तो ये सामने का ये फैट खत्म, फिर ये पीछे से ऐसे एक एक पैर को पीछे से ऐसे उठाना, क्योंकि मोटे आदमी दोनों पैरों को तो नहीं उठा पाएंगे। फिर सीधे लेट करके, सीधे लेट करके भी बहुत जबरदस्त है मोटापा के लिए, 3 अभ्यास, दोनों पैरों को ये उठाए नीचे लेकर के आए। मैं ये अलग अलग एरियो में फैट बढ़ता है ना, हाथों में, ब्रेस्ट पर, पेट पर, कमर में, फिर ये जगहों पर, उसके लिए ये दो दोनों से ना उठा पाए तो एक एक से ऐसे ऐसे उठा ले, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से, फिर ऐसे गोल घुमाना पादवृत्तासन, अर्धलासन के बाद ये पादवृत्तासन, पहले धीरे धीरे घुमाया फिर तेजी से कर दिया। और एक जुनून, एक पागलपन, मोटापे के साथ समझौता नहीं करना, बीमारियों के साथ समझौता नहीं करना, बस योग करना, आपको विजय मिलेगी मोटापे पर। ये मोटापा के लिए इतने जबरदस्त अभ्यास है, और यदि मैं इन आसनों का पेटेंट करवा करके मोटापा के लिए काम करता तो रॉयल्टी करोड़ों रुपए की आ जाती है, लेकिन मैं सबको फ्री बता रहा हूं कि इसको करो, आजमाओ, एक एक से कर लो ऐसे। और पहले दिन से थोड़ा डाइट कंट्रोल करो, गेंस कम लो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज्यादा लो, लौकी का जूस पियो, और यदि किसी को आपत्ति ना हो तो सुबह उठ करके गोमूत्र पी लो। वैसे इस्लाम में भी औषधि के तौर पर गोमूत्र के प्रवेश का निषेध नहीं है। ये ऐसे ये इतने अभ्यास तो मैंने बताए आसनों की, फिर कपाल भाती ये तो करना ही पड़ेगा, एकदम फिट परफेक्ट ऊपर से करते हैं। आपने भी कई बार अपने सेशन में कहा है कि गलत तरीके से करने पर उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखो वैसे तो क्या है, कुछ ना ज्यादा ही लोग डरा के रखते हैं। हमारे यहां ना बहुत से योगाचार्यों ने अपनी दुकान खोली हुई है, अरे आप कपाल भाती उल्टा कर लोगे तो पता नहीं कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, उल्टा करेगा तो क्या होगा, छोड़ रहे हैं तो कपाल भाती, भर रहे हैं तो भस्त्रिका हो गया, क्या नुकसान क्या है? माने ऐसा डराओ मत लोगों को। बाबा रामदेव आपका इशारा किसकी ओर है, कौन से वो लोग हैं जो तेरा योग, मेरा योग, ये बाबा रामदेव का योग, ये शीशे का योग, ऐसा कौन से लोग करते हैं? देखो योग तो ऋषियों का है और पूरे विश्व को भारतीय ऋषियों की योग देन है, मैं योग का प्रचारक हूं। योग मेरा नहीं है, योग मोदी जी का नहीं है,
योग किसी गुरु का नहीं है, ये सब ऋषियों का है। और मूलतः है योग विद्या ईश्वरीय विद्या है, इसके प्रथम गुरु हिरण्यगर्भ हैं। बाद में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग कोई राजयोग कहा जाता है, फिर हठ योग माने सूर्य और चंद्र शक्ति का हकार कीर्तुता सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, जिसके हमारे आदित्यनाथ योगी जी जिस गोरखनाथ मठ के महंत है वहां हठ योग की परंपरा है। हठ योग का मतलब भी जबरदस्ती का योग नहीं है, माने सूर्य ठे माने चंद्र इन दोनों शक्तियों का जहां संतुलन होता है वो हठ योग। ये योग तो है प्रामाणिक, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, राजयोग, उसी को अष्टांग योग को राजयोग कहते हैं, कुछ लोग राजयोग के नाम पर भी बहकाते हैं, और हठ योग। इसके अलावा कोई मेरा तेरा योग नहीं होना चाहिए, हम सबको मिलकर के अपने ऋषियों को ही गौरव देना चाहिए। आपसे कुछ सवाल भी यहाँ पर पूछना चाहती है, आपने इशारा भी किया इनकी ओर, ये किस तरह का डाइट लें और साथ ही इनका कुछ सवाल भी है, पूछिए आप। ओम प्रणाम बाबा जी, जैसे अभी आपने बताया मेरी फैमिली में सारे ही मोटे हैं। इनको जेनेटिकली मोटापा। हाँ जी हाँ जी, और योग पर जाने के बाद भी परहेज भी करा, खाने पीने में भी करा, लेकिन वेट कम नहीं होता, ये तो बहुत समस्या है। आप कल से सब तरह का अनाज बंद कर दो, कोई अनाज नहीं, ना चावल ना गेहूं, कुछ नहीं। आप डाइटिंग पे जाने के लिए कह रहे हैं? मैंने 18 साल तक अनाज नहीं खाया। पर ऐसा कैसे करें? मैंने 18 साल नहीं खाया, तुम्हारे सामने बैठा हूं, कोई स्वर्गवासी नहीं हुआ हूं, अभी भारतवासी हूं। अभी सुनो, अनाज बंद कर दो थोड़े दिन, खाना भी हो तो मिक्स ग्रेन थोड़ी मात्रा में लिया करो, और ग्रीन वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, सलाद लो, थोड़ा अंकुरित ले लो। प्रोटीन डाइट में सबसे अच्छा होता है अंकुरित, मूंग और अलग अलग तरह के जो है अनाज हैं या दूसरी दालें, उनको अंकुरित करके खाओ, और लौकी का जूस पियो। और फिर ये जो मैंने अभी अभ्यास बताया मोटापा के लिए, इसके लिए पहले एक राउंड, फिर दूसरे दिन दो राउंड, फिर तीसरे दिन तीन राउंड, सुबह शाम ये योग अभ्यास करो, आपका 15-20 किलो वजन कम हो जाएगा, जैसे नई नई ब्याह के आई थी ना वैसी हो जाएगी। आप बैठ जाइए। चलिए, इनके बारे में तो आपने बता दिया कि ये अपने 15 से 20 किलो वजन कैसे घटाएं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों लोग इस वक्त सीधे लाइव आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या आप बताएंगे? और योग बीमारी से निजात पाने के लिए है या फिर हम बीमार ही ना हो उसके लिए है? ठीक है, मैं कहता हूं सबको कम से कम 5 क्रियाएं तो जरूर कर लेनी चाहिए। जिन्होंने कभी भी योग की प्रैक्टिस नहीं की है ना, वो भस्त्रिका से यहां से अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कान बंद करके, मुख बंद करके ओंकार का नाद, ये भी 3 से 5 बार भ्रामरी, फिर उद्गीत, ओ इन 5 चीजों से शुरुआत करें। और ये सब कर सकते हैं, जो नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं, कोई पद्मासन में बैठ के करना चाहे पद्मासन में बैठ करके कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ करके 5 अभ्यास शुरू कर दीजिए। अब कोई जवान है तो वो 5 अभ्यास जवानों वाले शुरू कर ले। अब जवानों वाले अभ्यास बता देता हूं, देखो ये तो मैंने सबके लिए बताया ना, योग सबके लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, रोगियों के लिए भी है, निरोगियों के लिए भी है, योगियों के लिए भी है। सुनो, आजकल तो जो योग करता है वो MLA, MP, CM, PM सब कुछ बन जाता है। इसलिए अब देखो ये, अब मैं जवानों के लिए जो यंगस्टर्स है उनके लिए बता रहा हूं, पहले दीवार के साथ करना, 100 साल तक आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा और चेहरा टमाटर की तरह लाल रहेगा, फेरे लवली नहीं लगाना पड़ेगा और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे बच्चों को, नहीं तो आजकल शादी के बाद दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं जी, बच्चे नहीं हो रहे, फिर ब्याह क्यों करा था जब बच्चे नहीं हो रहे। तो भाई योग करो, योग करोगे तो कोई बीमारी होगी नहीं ना। आपको अविवाहित ब्रह्मचारी रहना है, सन्यासी बनना है तो भी योग करो, गृहस्थी बनना है तो भी योग करो, ये शीर्षासन तो बहुत ही अच्छा है, 100 साल तक इससे हम स्वस्थ रहते हैं। फिर थोड़ा सवासन कर लो, और फिर सवासन करके
फिर ये सर्वांगासन, ये भी बहुत जबरदस्त है, ये भी 1 से 2 मिनट हर एक आसन किया जा सकता है। सर्वांगासन के बाद ये हलासन, और हलासन के बाद ये बच्चों के लिए बता रहा हूं, जवानों के लिए चक्रासन, और फिर ये पश्चिमोत्तानासन, आंखें झुक करके और माथा घुटनों से लगाना, कोने जमीन पर टिका देना, ऐसे करना चाहिए। और फिर किसी में थोड़ा दम कम है तो जवानों को और बच्चों को सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा है ना, ये भी ऐसे बार अभ्यास है, इसकी कोई मंत्र तंत्र यंत्र षड्यंत्र करने की आवश्यकता नहीं, और जो भी करेगा, हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, जो भी करेगा वो स्वस्थ रहेगा। अच्छा बताओ, कोई ऐसे कर लेगा तो ऐसे करने से कोई मुसलमान हिंदू तो नहीं बन जाएगा, हाँ जो भी करेगा वो हेल्दी जरूर बन जाएगा। जो धीरे करना चाहे वो धीरे से, जो तेजी से करना चाहे तेजी से, जिसमें जितना दम हो वैसे कर लेना। अब बहुतों को बॉडी बनानी है तो बोलते, अरे बॉडी बनाने के लिए जिम में जाने की जरूरत नहीं है, योग करो तो मसल्स भी अच्छे बन जाएंगे, बॉडी की कटिंग भी अच्छी हो जाती है, सबको चाहिए ना, ऐसी भुजाएं उभरी हुई, सीना उभरा हुआ, पेट कसा हुआ, कमर कसी हुई, और एक एक मांसपेशी शरीर की ना खूबसूरत होनी चाहिए, सबको अच्छा लगता है ऐसा हो तो। सिक्स पैक ऐप की बात आप कर रहे हैं सबको बना, अरे सिक्स पैक तो योग से बनते ही बनते हैं, सिंगल पैक भी बन जाता है। देखो सिंगल पैक दिखाता हूं, ये तो सिक्स पैक तो हो ही जाते हैं योगी। फिटनेस के मामले में शायद ही कोई आपको चैलेंज करे इस देश में। और मेरी 50 से 1 साल के आसपास आई हो, 25 साल वाले को भी पटक नहीं दे देता हूं। कोई है जो चैलेंज लेने को तैयार है बाबा रामदेव से? लॉटरी में आपके पास शिवांगी हैं ट्विटर के जरिए आपसे सवाल पूछ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं उनका है। जी सर, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बैलेंस बना, और चलना चाहे तो ऐसे चल भी सकते हैं। इसलिए कहा, कुछ लोग सोचते थे ये बुढ़े ठेरे जिनमें कोई दम खम नहीं है वो योग करते होंगे, योग से ताकत भी मिलती है, योग से जवानी भी मिलती है, योग से ज्ञान भी बढ़ता है, योग से भक्ति भी बढ़ती है, योग से पुरुषार्थ बढ़ता है, और योग करते करते आप बड़े बड़े उद्योग भी खड़े कर सकते हैं, और हमने खड़े करके दिखाए। तालियां। योग जब ऊंचा हो जाता है ना जी, तो उद्योग, योग ऊंचा हो गया तो उद्योग हो जाता है। बाबा आप हठ योग भी कर रहे हैं बहुत सारी कंपनियों को देश से बाहर ले जाने के लिए, है ना? अरे अभी तो उनका शीर्षासन कराया, थोड़े दिन में मोक्ष भी कराएंगे, क्योंकि मोक्ष योग का अंतिम लक्ष्य है। दिवांग भाई मुस्कुरा रहे हैं, आपको भी योगी, आप तो योगी हो, थोड़े दिन में उद्योग भी हो जाएगा। कुछ और सवाल ले लेते हैं, खड़े हुए। नमस्कार बाबा जी, मेरा नाम जितेंद्र खुराना है, एक आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2003 में मैंने आपका वक्तव्य सुना था, टाई पहननी मैंने छोड़ी थी आपकी कहने के कारण, कि गले की नस दबती है और उसकी आंखों की रोशनी पर जाती है, और क्रॉस से उसका जो चिन्ह है, क्रॉस से भी नहीं, जो आपने बोला था मैं बता रहा हूँ। एनीवे मेरा प्रश्न गुरु जी आपसे ये है कि 6-6 साल के साथ साथ, अच्छा एक बात बताता हूँ इसकी टाई पर। एक दिन मेरे पास में एक बहुत बड़ा बैंक जो करीब 10 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर करता है वो आए। अच्छा उसके जो बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स थे वो टाई पहने हुए थे, और हम तो यही लंगोटी धोती वाले, तो जब मेरे से बात करे तो थोड़ा उनको ऐसे झुकना पड़ रहा था, अब उनके आगे गले के यूर यू झूले। मैंने कहा ये क्या काम आती है।
और जून के महीने में गला घोट के बैठे हैं, कोट पहन के बैठे हैं, जींस पहन के बैठे हैं, भीतर से सड़ते रहते हैं। अरे थोड़ा हवादार कपड़े पहन लो गर्मी में। सवाल ले लेते हैं। वैसे यहाँ पर जो कोट पहने हुए लोग हैं उनके लिए आपने सवाल खड़े कर दिए। सवाल मेरा ये है स्वामी जी, 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है, ये बड़ी कष्टदायक स्थिति है। मेरा निवेदन है कि इस पे कार्यवाही होगी, अगली पीढ़ी कैसे, जब नजर भी नहीं आ रहा तो कैसे देश बनेगा। अभी मैंने जो सर्वांगासन बताया जी और शीर्षासन बताया, ये दोनों आसन चश्मे के लिए बहुत अच्छे हैं, और ये दोनों भी ना कर पाए तो अनुलोम विलोम कर लें। चश्मा दूर हो जाता है, आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें। मैं आपको एक खास बात बोलना चाहता हूं, खाली बात चश्मे की नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को कैंसर होने की ज्यादा संभावना है। पहले बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, ओबेसिटी, स्ट्रेस, अनिद्रा, ये लाइफस्टाइल डिजीज बनी थी। अब तो कैंसर घर घर में फैल रहा है, और कैंसर के दूसरे कारण हैं, जेनेटिक कारण है, पोल्यूशन उसका कारण है, और भी बीड़ी, सिगरेट, शराब, रेडमीट आदि उसके कारण हैं, हाई सॉल्ट इंटेक, हाई कैफीन इंटेक आदि ये कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण कैंसर का है इम्यूनिटी का वीक होना। ऐसे इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इम्यूनो सप्रेशन बोलते हैं। इम्यूनिटी यदि किसी की अच्छी रहेगी तो उसको कैंसर भी नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा था प्रारंभ में ही चित्रा से कि मात्र डायबिटीज मुक्त भारत के लिए नहीं, सभी प्रकार की बीमारियों से, सब प्रकार की बुराइयों से, यहां तक कि हिंसा और अपराध, वायलेंस एंड क्राइम फ्री सोसाइटी और नेशन हमें बनाना है तो योग को ही अपनाना पड़ेगा, और दूसरा कोई जरिया नहीं है। चाहे जिसका शासन हो, चाहे मोदी का शासन हो, चाहे योगी जी का शासन हो, केवल शासन किसी व्यक्ति को अनुशासन में नहीं ला सकता, योग का अनुशासन होगा, चाहे जिसका शासन होगा देश हमारा अच्छा होगा। वाह बहुत खूब। अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, बाबा रामदेव ने योग का ज्यादा प्रचार प्रसार किया या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की जो पहल प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से की गई, श्रेय ज्यादा किसको जाता है इसका? देखो योगियों की लड़ाई श्रेय के लिए नहीं होती, योगियों की लड़ाई सेवा के लिए होती है कि कौन ज्यादा सेवा कर पाए। ये सच है कि भगवान ने हमको इस कार्य के लिए निमित्त बनाया कि हमने हिंदुस्तान में करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की, लोगों को जगाया, नहीं तो कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये लोग कहाँ नाम जानते थे, शीर्षासन, सर्वांगासन, पद्मासन, मयूरासन, अब लोग जानने लगे। लेकिन उसको पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज करने का काम ये कोई साधु संत नहीं कर सकता, वो तो कोई पॉलिटिकल पोस्ट पर बैठा व्यक्ति कर सकता है। मोदी जी ने यौन के अंदर योग का प्रस्ताव रखा, 177 देशों के समर्थन से इंटरनेशनल योग डे का प्रस्ताव पारित हुआ। ये एक प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक कार्य किया, बिल्कुल, कि विश्व पटल पर योग के माध्यम से, योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति को इससे सम्मान मिला, इसके लिए मोदी जी की मैं खुद भी तारीफ करता हूं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। एक और मेरा ये सवाल है, और अभी ट्विटर के जरिए चूंकि सोशल मीडिया से भी हम सवाल उठा रहे हैं, शिवांगी का आपसे सवाल है, उन्होंने पूछा है कि प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल डिलीवरी होने के कितने दिनों के बाद हम योगा कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि प्रेगनेंसी के दरमियान भी योग करना चाहिए, कम से कम 3 योग तो जरूर करें, एक तो अनुलोम विलोम धीरे धीरे, जितना वक्त मिले इसको 10-15 मिनट से प्रारंभ करके 1-1 घंटे तक किया जा सकता है। फिर भ्रामरी वाला जो अभी बताया था मैंने, और ओम, ये 3 अभ्यास तो अवश्य करने चाहिए, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम। और प्रेगनेंसी के बाद चाहे वो सिजेरियन भी है तो थोड़ा कठिन आसन तो नहीं करने होंगे, तुरंत प्राणायाम तो तुरंत शुरू कर सकते हैं, खास करके भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और थोड़े सूक्ष्म व्यायाम। और सिर्जरन के बाद भी 4-6 महीने के बाद में सभी प्रकार के योगाभ्यास किए जा सकते हैं। और यदि नॉर्मल डिलीवरी भी है तो 7 दिनों के बाद सभी प्रकार के योगाभ्यास आराम से किए जा सकते हैं। और अनुलोम विलोम तो डिलीवरी के दिन ही किया जा सकता है, अनुलोम विलोम तो सर्जरी के, हार्ट की बाईपास सर्जरी भी है तो अगले दिन किया जा सकता है, इतना सहज है योग। अभी तो प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर के भी बहुत भयंकर विवाद लोगों ने खड़ा कर दिया। और ये सवाल भी मैं पूछ लेती हूँ, आयुष मंत्रालय की ओर से बुकलेट जारी किया गया है और कहा गया है कि शारीरिक संबंध नहीं बनाए जाएं, अगर प्रेगनेंसी हो तो अंडा नहीं खाएं महिलाएं, तो इन सारी चीजों को लेकर मैं चाहूंगी कि बाबा रामदेव स्पष्ट करें कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसको मानना चाहिए जो महिलाएं इस वक्त गर्भ में हैं। देखो जहां तक
सेक्सुअल बिहेवियर का बात है, जानवरों को देख लो, वो भी प्रेग्नेंट किसी भी जानवर के साथ में इंटरकोर्स आदि की प्रक्रिया नहीं करते, तो जानवरों से ही सीख लो, आयुष मंत्रालय तो बाद की बात है। और किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, इसमें कोई राजनीति वाला प्रश्न नहीं है, कि प्रेग्नेंट लेडीज पहले जब वो गर्भवती होती है तो उसके शरीर में काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ महिलाओं को तो दो दो तीन तीन महीने तक लगातार उल्टियां चलती हैं, उनको शारीरिक काफी पीड़ा होती है, और उसके बाद जब तीन चार महीने के बाद उनका गर्भ में बच्चा पलता है तो बच्चे को और अपने आप को संभालने में उसकी पूरी ऊर्जा लगती है, उस समय उसके साथ में सेक्सुअल बिहेवियर मुझे लगता है कि क्राइम जैसा है, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। और रही बात नॉनवेज खाने से मना किया जा रहा है कि आप गर्भावस्था के दिन एक वक्त ऐसा ना करें, गर्भावस्था में यदि जहां तक प्रोटीन की बात करें तो जरूरी है, और प्रोटीन के दो तरह के सोर्स है, एक मांसाहार है एक शाकाहार है, बिल्कुल, और शाकाहार में सबसे अच्छा जो प्रोटीन होता है दालों में होता है, दूध में, दही में, छाछ में, पनीर में होता है, और वो निरोगी होता है। उधर से मुर्गी को यदि कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो वो उस माँ को भी हो सकती है और उसके कोख में पड़ रहे बच्चे को भी हो सकती है। तो अंडे वाला प्रोटीन आप शुद्ध नहीं कह सकते, जो दाल वाला प्रोटीन है और जो दूध है, ऐसे मिलावट तो कोई गड़बड़ कर दे तो देखो वो तो एक अलीहदा प्रश्न है, लेकिन स्वस्थ प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन, वो दालों का है, वो जो है दूध पनीर आदि का है। इसलिए यदि कोई शाकाहारी है तो वो तो इसी को प्राथमिकता देगा जी। मैं तो कहता हूं दूसरा भी यदि कोई इसको प्राथमिकता देता है तो कोई आपत्ति नहीं, बाकी शाकाहार मांसाहार व्यक्ति की अपनी चॉइस है, इसके ऊपर कोई किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता, मंत्रालय ने भी कोई फोर्स नहीं किया, एक अपनी बात कही है तो उसके उसको एक ओपिनियन की तरह ले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद की गुंजाइश बचती। मतलब आयुष मंत्रालय की बातों को लोग माने या ना माने ये लोगों के ऊपर निर्भर है, आप ये कह रहे हैं? आयुष मंत्रालय नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक मंत्रालय उस वो देश चलाने के लिए देश के ऊपर कोई चीजें फोर्स करने के लिए नहीं होता है। हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसको कोई भी मंत्रालय बाधित नहीं कर सकता। लेकिन लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए मेरा सवाल था। एक और सवाल सोशल मीडिया से ही पूछा गया, उसके बाद यहाँ पर मौजूद लोग भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाह रहे हैं। देखिए हाथ उठा रहे हैं, गर्भावस्था के दौरान बाएं पैर में दर्द बहुत ज्यादा होता है, इसको लेकर जल्दी से जवाब, उसके बाद मैं यहाँ मौजूद लोगों के सवाल लूंगी। देखिए गर्भावस्था में पहली बात तो मैं कहूंगा कि किसी भी तरह की एलोपैथी दवा ना खाएं, ये डॉक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि दवाओं से बच्चों के विकलांग होने की, उनको डायबिटीज और कई तरह की दूसरी जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है जी। तो किसी को पैर में दर्द हो तो थोड़ा तो पैर की एक्सरसाइज कर ले, ऐसे पंजों को आगे पीछे दबा लिया, पैरों को ऐसे गोल गोल घुमा लिया, घुटनों को ऐसे खींचा छोड़ा, देखो ऐसे ये एक्सरसाइज है घुटनों की, है ना, इस तरह से, और थोड़ा ऊपर से कुछ द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, लगाने में कई प्रकार के तेल होते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है, और खाने में आयुर्वेद की दवाइयां भी क्योंकि गर्म होती हैं, इसलिए चाहे चंद्र प्रभाव टी है या हल्दी आदि है, इनका सेवन ना करें। थोड़ी मात्रा में पानी के साथ एलोवेरा जूस ले सकते हैं जो दर्दों में राहत देता है। गर्भावस्था में किसी को बीपी हो जाता है तो वो भी अनुलोम विलोम और लौकी के जूस का सेवन कर लें। किसी को शुगर बहुत अनकंट्रोल हो जाती है तो वो गिलोय का जूस पी लें, ये हार्म नहीं करती हैं, इसलिए मैंने इन चीजों को एडवाइज किया है। गर्भावस्था में आयुर्वेदिक चीजों का सेवन किया जा सकता है। किसी को बहुत सूजन हो तो पुनर्नवा मकोय, मैंने खुद प्रयोग करवाया है ऐसे बहुत सी लेडीज को जिनके शरीर में सूजन आ गई थी, गर्भाशय में पूरे पेट में सूजन आ गई थी, तो गोखरू, पुनर्नवा, मकोय, इनसे इनका काढ़ा पिला दिया, गर्म करके ठंडा करके काढ़ा पिला दिया तो सूजन भी दूर हो गई। किसी किसी को तो ब्लीडिंग तक होने लगती है तो उनको शीशम के पत्तों का रस पिला देते हैं, ब्लीडिंग बंद। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव आपके साथ, जो हमारे दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं और जो इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं, उन सभी को मैं बता दूं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके योग सम्मेलन पर बधाई दी गई है एबीपी न्यूज को, और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एबीपी न्यूज ने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई है योग सम्मेलन, आपको बता दें योग दिवस अभी 21 जून को मनाया जाना है, लेकिन उसके पहले करोड़ों दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं और बाबा रामदेव के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्हें नहीं पता है वो जान रहे हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए एबीपी न्यूज को बधाई दी है और ये कहा है योग सम्मेलन एक इनोवेटिव तरीका है और इसके लिए मैं एबीपी न्यूज को बहुत बधाई देता हूं। तो इस पर एक छोटी सी टिप्पणी और उसके बाद यहां पर सवाल। देखिए, मोदी जी के सामने देश के, दुनिया के सारे मुद्दे हैं, उनके सामने देश की नीतियां, विदेश नीति, और उन सबके बीच में भी एक प्रधानमंत्री योग पर भी ध्यान रखता है। ये हिंदुस्तान में 70 सालों के बाद पहली बार हुआ है जी, बिल्कुल, कि अपने सारे कार्य करते हुए वो योग के लिए भी एक थोड़ा स्पेस देके रखते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सुबह से शाम तक योग वो ही करने लग जाए, फिर बाबा रामदेव क्या करेगा तो और वो कर नहीं सकते ना, उनके सामने इतना बड़ा दायित्व है। नहीं, कुछ लोग इसी में ही राजनीति करते रहते हैं, वो योग को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। अरे योग को प्रमोट नहीं करेगा प्रधानमंत्री तो क्या भोग को करेगा। देश का प्रधानमंत्री, उसको अपने देश की परंपराओं को प्रमोट करना ही चाहिए, और उतना वो प्रोपेगेट करते हैं। और ये गौरव होता है हमको कि आजादी के 70 वर्षों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, वो जहां खड़े होते हैं, जहां वो खड़े होते हैं लगता है वहां योग है, आयुर्वेद है, स्वदेशी है, भारत की संस्कृति है, अध्यात्म है, वहां गीता है, रामायण है, महाभारत है, राम है, कृष्ण है, पतंजलि है, अपना देश, अपनी संस्कृति, उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तो हमें गौरव होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा रामदेव यहाँ पर बता रहे हैं। एक बार फिर से जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें बता दें, जो योग सम्मेलन एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है और एबीपी न्यूज को इसके लिए धन्यवाद दिया गया है। प्रधानमंत्री के प्रति भी एबीपी न्यूज अपना आभार जता रहा है। और दिबांग कुछ कहना चाह रहे थे। दिबांग, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया है, प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, योग सम्मेलन को देख रहे हैं जो एबीपी न्यूज पर है, यहाँ काफी लोग मौजूद हैं, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि क्या आप सबको, यहाँ बैठे हुए लोगों को कुछ आसन करवा सकते हैं, वहां से संचालन कर सकते हैं, और जो टीवी देख रहे हैं वो भी बैठ के उसको करें। कुछ आसन शुरुआत दिबांग से। आप भी योगी हैं, आप भी आओ ना। शुरुआत दिबांग से। हाँ, राजकिशोर भी, चलो सब खड़े हो जाओ। दिबांग के लिए जोरदार तालियां। दिबांग के लिए बहुत जोरदार तालियां। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। और दिबांग बहुत अच्छा योग करते हैं, मेरे साथ आ जाएंगे, जूते पहन लेंगे दोबारा, नहीं होगा तो मैं नए भिजवा दूंगा अगले साथ, पतंजलि के जूते भिजवा दूंगा, भेजती हूँ। राजकिशोर जी भी योगा के माध्यम से एक बार हो जाए। राजकिशोर भी बहुत योगा करते हैं और दिबांग, जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। दिबांग और राजकिशोर, मंच पर स्वागत है आप दोनों का। आप चलिए। जैसे हमारे दिबांग भाई जो है, मुझे नहीं लगता मेरे छोटे भाई हैं कि बड़े भाई, मैंने इनकी उम्र नहीं पूछी है, जब शादी हो जाएगी तब पूछ लूंगा दोनों। हाँ, दिबांग आप जाइए, तो आपने पहल आपने की है, शुरुआत आपसे हो जाए। दिबांग आइए, जोरदार तालियां। दिबांग आपको देखो, थोड़ा सिर पे रखो, खड़े हो जाओ। जरा वाला जी श्वास अंदर भरिए, ये कितना आसान है, देखिए साढ़ा सा सब कर सकते हैं ना, इतना इजी है। कितना आप भी कर लो, माइक रखो नीचे थोड़ी देर, अभी एंकरिंग मैं कर दूंगा। ये फिर नीचे, एक स्थिति में 15-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक हम बने रह सकते हैं। इससे बॉडी का बैलेंस होता है, बॉडी की बात अच्छी साइंटिफिक स्ट्रेसिंग हो जाती है। और ऐसे तो कितना अच्छा है ना, फिर बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एंड एक्शंस का बैलेंस, ये तो योग है। समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम योग चित्त वृत्ति निरोधः। दाएं पैर उठाइए, अरे कर लो सब, कोई बात नहीं, जूते में भी कर लो, कोई बात नहीं, बहुत इजी है योग। ऐसे कर लो, ऐसे लगाओ इसको, कोशिश करो ऐसे, एड़ी ऊपर पंजा नीचे, बैलेंस बनाइए थोड़ा ना, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर गिरोगे तो उठा लोगे। फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऐसे उठाएं और दोनों हाथ ऐसे रख दें आपस में मिला के सिर के ऊपर। अरे बहुत अच्छा किया सबने,
संख्या पर। ये तो करीब करीब 99% भाई बहनों ने ऐसा कर दिया है। ऐसे दूसरी ओर से भी कर लीजिए, अच्छा बैलेंस बन जाएगा दोनों पैरों। आजकल लोगों का बैलेंस ही तो बिगड़ा पड़ा है। अरे बाद में ताली बजाना, पहले करो। कितना अच्छा लग रहा है, हमारे दिवाग भाई भी बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे। और कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। अरे कुछ तो किया, कुछ तो हिलाया। फिर दोनों हाथ ऐसे उठाइए और आगे झुक जाइए, पाद हस्तासन, ये भी बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल योग डे पर भी अभ्यास आपको करने होंगे, अच्छा है, बैलेंस बनता है। माथा घुटनों से लगा देते हैं, दोनों हाथ कोशिश करते हैं पैरों के बगल में टिक जाए। तो ये बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए, बॉडी के बैलेंस के लिए, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बहुत अच्छे अभ्यास होते हैं। ऐसे माथा घुटनों से लगाया, फिर दोनों हाथों को उठाया और पार्श्व भागों से नीचे ले आए, और फिर दोनों हाथ ऐसे कमर के बगल में लगा दीजिए, पार्श्व भागों में, और पीछे थोड़ा सा झुकने की कोशिश करते हैं। जिनको चक्कर आते हो वो मत करना, हाई बीपी बहुत ज्यादा हो तो नहीं करना, थोड़ा हो तो कह सकते हैं, बस जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। सहज सांस से श्वास अंदर भर के थोड़ा सा झुक जाएंगे, अर्ध चक्रासन। क्या बात है, बहुत अच्छा किया, वापस आ जाइए। अब जब बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, आप उधर बैठ जाइए तो आप गिर सकते हैं। तो बहुत देर खड़ा, फ्लेक्सिबल हो बॉडी तो ऐसे पीछे यूं भी झुक सकते हैं। आप लोग ऐसे ट्राई मत करना, प्रतीक्षा जी ने तो कर दिया, लेकिन अभ्यास से ना ऐसे हो जाता है। तो अब किसी को और ही बैलेंस हो तो चलो लास्ट परीक्षा ले लेते हैं। ये दाहिने पैर पर बैलेंस बना के और ऐसे कीजिए गरुड़ा। अच्छा हुआ। तो अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी योग के ऊपर ना बहुत तरह के लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, योग ऐसे बैठ के करना, इस तरह से पूरे मंत्र आदि पाठ करना। अरे भाई ठीक है, मंत्र आदि पाठ कर लो तो अच्छी बात है, ना भी कर पाओ तो लंबी चौड़ी कहानी नहीं। न तत्र वाग्गच्छित न मनो न विद्वो न विजामि यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तम आहु परमाम गतिम। तो शब्दों के चक्कर में मत पड़ा करो, योग तो अपने आप में एक एक्शन है। तो आप चलते फिरते भी कपाल भाती कर सकते हो, चलते फिरते भी आप भस्त्रिका कर सकते हो। देखो मैं चलते हुए भस्त्रिका करके दिखा रहा हूं, आप मत चलना नहीं तो सब यहीं आ जाओगे। क्या दिक्कत है, चलते चलते कर लो, चलते चलते कर लिया। ऐसे ही चलते चलते किसी को अनुलोम विलोम भी करना है, ठीक है, बैठ के करेंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ध्यान लगेगा। चलते चलते भी आप खड़े खड़े भी चलो अनुलोम विलोम कर लो, ये कर सकते हैं, कर लो कर लो। जब ऑफिस से घर लौटते हो ना, तो गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, मेट्रो में, कभी भी कर लो। इससे करने से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, नहीं तो ऑफिस का स्ट्रेस घर में लेके आते हैं और फिर बीबी पे गुस्सा हो जाते हैं। ये चक्कर खत्म हो जाएगा। अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं दिन में, इसमें कोई खाने का भी नियम नहीं, खाने के आधे घंटे बाद भी किया जा सकता है। चलिए बैठिए। तो हमारे दिवांग भाई की डिमांड पर हमने सबको ये योग भी करा दिया। ऐसे कभी भी योग कर सकते हैं, योग बहुत इजी है, बहुत इजी है। इस लोगों ने योग के ऊपर रहस्य के पर्दे डाले हुए थे, हमने उसको बेपर्दा किया है। पहले लोग कहते थे योगियों को योग करना,
फिर इंदिरा गांधी जी के समय लोगों को लगा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने उनको कराना शुरू किया तो लगा रहे तो प्रधानमंत्री जो होता उसको करने जैसा है। हमने गुफाओं से और अट्टालिकाओं से योग को बाहर निकाला और आज घर घर में योग हो रहा है, दुनिया भर में योग हो रहा है। ये है योग की महिमा। सब योग करो, सब योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने, बहुत जरूरी है ये। पहले लोग कहते थे जो ब्राह्मण है उसी को वेद पढ़ने का अधिकार है। मैंने कहा जो वेद पढ़ेगा वही ब्राह्मण हो जाएगा। पढ़ो वेद, सारे ढोंग आडंबर पाखंडों से बाहर निकलो। कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु, कोई वासु, कोई ज्योतिष, पता नहीं किसके तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र के चक्कर में पड़े। कोई कहता है ये कृपा का कारोबार, अरे सब प्राणायाम कर, प्रभु की कृपा अपने आप हो जाएगी, क्यों चिंता कर रहा है। भगवान अपना काम कर रहा है तो इंसान। जोरदार तालियां बाबा रामदेव के लिए, इतने अच्छे से उन्होंने योग सिखाया हम सभी लोगों को जो यहाँ पर मौजूद थे। ट्विटर से लगातार सवाल आ रहे हैं बाबा जी आपके लिए। अरबाज अशरफी हैं, उनका ये सवाल है कि उनको अक्सर उल्टे पांव में दर्द होता है तो वो कौन सा योग करें ताकि उनकी ये दिक्कत दूर हो सके। मैंने दोनों पांव का बता दिया, उल्टे का भी सीधे का भी, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था जी, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, वो ये अभ्यास करें सब ऐसे, है ना। और थोड़ा ये घुटनों का ऐसे खींचे छोड़े और उल्टे लेट करके भी ऐसे, ये घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। नहीं तो कुर्सी पर बैठे बैठे थोड़ा पैर हिला लें, और जो है क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज तो नहीं कर सकती, बाकी सब कपाल भाती कर लेते हैं तो कपाल भाती से ना ये जो कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो भी खत्म हो जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट और क्लास सेल्स जो हड्डियों के हैं वो बैलेंस होने से बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन का बैलेंस हो जाता है, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, मांसपेशियां अच्छी हो जाती है। घुटने में नहीं, कहीं पर भी शरीर में पेन नहीं होता है। और कहीं पर भी किसी को पेन है तो हल्दी मेथी सौंठ खा लो, थोड़ा एलोवेरा का प्रयोग कर लो ज्यादा, या तो थोड़ा चंद्र प्रभावटी जैसी चीजें ले लो, परमानेंट क्योर हो जाता है। कुछ और सवाल ले लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पूछे सवाल। प्रणाम बाबा। प्रणाम। आजकल मेरा सवाल ये है, आजकल ये बच्चों में आमतौर पे ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि उनको नॉक नीज की प्रॉब्लम होती है, घुटने आपस में भिड़ते हैं, घुटने आपस में मिलते हैं और फ्लैट फुट्स की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए कौन सा योग बच्चों को। अभी तो आपको ताड़ासन बताया था, वो ताड़ासन जो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है ना इसके लिए। और दूसरा मेरे खुद मिला करते थे, मेरे बचपन में दोनों घुटने मिला करते थे, पेट बाहर था, लेफ्ट साइड में पैरालिसिस, बहुत बुरी हालत थी। मैंने गरुड़ासन किया जो अभी मैंने आपको बताया था, ये गरुड़ासन। और दूसरा इसके लिए बटरफ्लाई, बहुत इजी है ऐसे, ये बटरफ्लाई और पद्मासन ऐसे, ये तीन अभ्यास जो बच्चे कर लेंगे उनको ये घुटने मिलने की समस्या नहीं होगी। वैसे किसी को फोर्स में जाना है, फिटनेस में ये भी टेस्ट होता है, जिनके घुटने मिलते हैं उनको फिर भर्ती नहीं करते हैं, तो ये बहुत सी यंगस्टर्स के लिए भी एक अच्छा टिप हमने दे दिया। बहुत महत्वपूर्ण आपने जवाब दिया, और आपने जिक्र भी किया कि सेना में जो लोग जाना चाहते हैं अगर ऐसा हुआ तो फिर सिलेक्शन नहीं होता है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एबीपी का कार्यक्रम देख करके वो एबीपी उनको भी आगे रखेगा, एबीपी का स्लोगन है ना आपको रखे आगे। कुछ और सवाल। बाबा जी प्रणाम, मेरा नाम शरद माहेश्वरी है, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। मैं ये एक सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में योगा के जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत कम हैं, और हमारे देश में कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं बाकी एजुकेशन के लिए, लेकिन योगा की एजुकेशन देने के लिए बहुत ही कम संस्थान हैं। उन संस्थानों को बढ़ाने के लिए ताकि हम पूरे विश्व के लिए योगा ट्रेनर सप्लाई कर सकें इंडिया से, ऐसा आपका कोई प्लान है जिससे हम जरूर सपोर्ट कर देंगे बहुत जल्दी पूरी दुनिया में योग ट्रेनर। आपकी जानकारी के लिए अभी इस साल भी हमारे पास कैपेसिटी है, अगले साल तक करीब 5,000 लोग पतंजलि से योग में बीए, एमए और पीएचडी कर सकेंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगले साल तक हम बना करके खड़ा कर रहे हैं। और इसके बाद योग के जो क्यूसीआई का जो कोर्स है उसके लिए भी हम काफी लोगों को तैयार कर रहे हैं, उसमें भी काफी लोगों को हम अवसर देंगे। और एक बात, चलो एक एबीपी के माध्यम से एक ब्रेकिंग न्यूज भी दे देता हूं। हमने पहले सोचा था कि योग को एक कारोबार की शक्ल नहीं देनी चाहिए, कम से कम हिंदुस्तान में तो हम आगे भी नहीं देंगे। यहां तो अभी करीब 1,00,000 निःशुल्क योग की हम कक्षाएं चला रहे हैं, आगे 11,00,000 की हमारी योजना है आने वाले 3-4 वर्षों में। पूरी दुनिया भर में बिना पैसे आप योग सिखाते हैं तो उस की स्वीकार्यता भी नहीं होती और इकोनॉमिकली वाइबल भी नहीं होता, वहां इतनी महंगाई है। तो अभी हमने सोचा है बहुत जल्दी ही पूरी दुनिया भर में पतंजलि के योगा एंड वेलनेस स्पिरिचुअल सेंटर्स भी हम खोलने वाले हैं, और इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारतीय योग पूरी दुनिया में पहुंचेगा
और इसकी आज जरूरत है जी। लोगों को इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतनी ज्यादा बीमारियां, और रोगी की ही बात नहीं, जिनके पास बहुत वेल्थ है उनको पीस चाहिए, उनको पीस ऑफ माइंड, उनको सेल्फलाइजेशन, और जैसे कि कहते ना एक अंतर आत्मा की एक जो भूख है उनकी, उसको पूरा करने के लिए योग के अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। तो इस दिशा में भी आगे पतंजलि काम करेगा और पूरी दुनिया में योग के झंडे गाड़े जाएंगे। बहुत शुभकामनाएं बाबा रामदेव जी। इसके लिए आपका कुछ और सवाल है, लोग पूछना चाह रहे हैं, पूछिए मैम। ओम गुरु जी, आपको हमेशा हम लाइव देखते रहे, टीवी में देखते थे, आज कृष्णा गुरु माँ की वजह से हम आपको बिल्कुल लाइव देख रहे हैं, और आपके पतंजलि के जो जितने भी सामान है बहुत ही अच्छे हैं। मेरी आंखों में, मेरी 54 की एज है, और मेरी आंखों में मेरी जितनी भी फ्रेंड है सबके चश्मे लग चुके हैं, ऑपरेशन हो चुके हैं, और मुझे आपने एक बार टीवी में ही बताया था कि मेरी दवा डालो और आपको कभी कुछ नहीं होगा। वो दृष्टि डाली आपने। जी जी जी, तो ये तो पतंजलि की ब्रांड एम्बेसडर हो गई। तो गुरु जी मैं आपकी वही दवा डालती हूँ, और जिस दिन मुझे कोई परेशानी होती मैं रात को आंखों में डालती हूँ, सुबह मेरी आंखें बिल्कुल फ्रेश हैं, और सब मुझे चैलेंज देते हैं कि आपकी आंखों में अभी भी 10 साल कुछ नहीं हो सकता, ना 100 साल कुछ नहीं होगा। जी जी जी, ऐसे तो आपको थोड़ी मैं आपको बहुत हृदय से प्रणाम करती हूँ। आपका जितना भी सामान है, मेरा अभी 8 महीने का पोता है, मैं उसको भी आपका तेल वेल जो भी है, सब लोग पतंजलि का प्रचार किया करो, क्योंकि पतंजलि का जो भी प्रॉफिट है वो देश की सेवा के लिए। और आपकी जानकारी के लिए और भी बात बता देता हूँ, मैंने पिछले दिनों जब पतंजलि के एनुअल प्रेस की थी, अर्थ से परमार्थ, मैंने कहा था हम जो सेना पर शहीद हो जाते हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बलों के लोग, उनके बच्चों के लिए हम स्कूल बनाएंगे, तो हम वो स्कूल इसी साल शुरू करने वाले हैं, और करीब 1000 जो सैनिकों के बच्चे हैं पतंजलि शहीद सैनिक स्कूल में, उनको फ्री एकोमोडेशन, फ्री एजुकेशन, और वो भी एजुकेशन बहुत हाई क्वालिटी का, जो बहुत से स्कूलों में एक एक दो दो तीन तीन लाख रुपए की फीस लेकर के जो बोर्डिंग स्कूल चलाए जाते हैं उनसे बेहतर होगा ये पतंजलि का शहीद स्कूल। अरे वाह, कुछ और सवाल, लगातार लाखों सवाल यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं, ट्विटर से, फेसबुक के जरिए, सोशल साइट के जरिए। एक और सवाल उनमें से मैं ले लेती हूँ आपसे। एक दर्शक का सवाल ये है, मेघ आनंद है, वो पूछ रहे हैं कि वैसे तो आप हमेशा वजन घटाने की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो वजन बढ़ाने की कोशिशें कर करके थक चुके हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा, उनके लिए बाबा रामदेव क्या सलाह देंगे? हाँ, उनके ऊपर भी हमारी नजर रहती है, लेकिन वो संख्या कम है ना, तो बहुमत का जमाना है, तो ज्यादा बात मोटों की हो जाती है। तो चलिए, जो दुबले पतले हैं उनके लिए भी हम उपाय बता देते हैं। दूध में केला, उसका शेक बना करके पी लें, या मैंगो शेक पी लें, अथवा केला और दूध ऐसे ही खा लें, ऊपर से दूध पी लें, अथवा सुबह दही और केला, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध अच्छा होता है, तो दही और केला ये भी मिला के खाते हैं तो वजन बढ़ता है, और खजूर ये भी वेट को बढ़ाता है, तो दूध के साथ खजूर भी ले सकते हैं, और शतावर बहुत अच्छा होता है लेडीज और जेंट्स हो, लेडीज के भी किसी का ब्रेस्ट पूरा विकसित नहीं होता, तो काफी जो है उनको एक आत्मग्लानी जैसी होती है, तो भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और शतावर और दूध लें तो ब्रेस्ट का भी पूरा विकास हो जाता है, और पुरुषों के लिए अश्वगंधा और शतावर ये दोनों चीजें ले लें तो उनका वजन पूरा बढ़ जाएगा, और थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करें तो किसी भी प्रकार से उनको वजन की समस्या नहीं रहेगी, ना आप अंडरवेट होंगे ना आप ओवरवेट रहेंगे, समत्वम योग उच्यते बैलेंस रहेंगे। कुछ और सवाल, आप सवाल पूछना चाहती थी, खड़े जाइए। बाबा जी, हम देख रहे हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी 10 में से 9 जन को, जिसको भी हम मिल रहे हैं या कंसल्ट कर रहे हैं, हम डेफिशिएंसी देख रहे हैं। अब विटामिन डी हमारी बॉडी खुद बनानी चाहिए, लेकिन वो प्रिवेलेंस हम नहीं देख रहे हैं। ऐसा कोई योग है जिससे हम ये प्रोडक्शन वापस स्टार्ट कर सकें, जैसे ये बार बार विटामिन डी की ओरल सप्लीमेंट्स या इंजेक्शंस की नौबत ना आए? ये काफ़ी बड़ी समस्या है, जो पूजा ने, क्या नाम, पूजा ने जो पूछी है, ये खुद डाइटिशियन है और इनके पास इस समस्या को लेकर के लोग आते रहते हैं, मेरे पास भी आते हैं, और मैं देखता हूँ विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, और लेडीज में कुछ वक्त के बाद कैल्शियम, किसी किसी में फिर जो है जिनको प्रोटीन डाइट पूरी नहीं मिलती तो ये भी डेफिशिएंसीज काफ़ी रहती हैं।
एक तो कपालभाति प्राणायाम करें। कपालभाति प्राणायाम करने से जो भी हम आहार लेते हैं उसका अवशोषण पूरा हो जाता है, मानी बॉडी उसमें से जो भी पोषक तत्व उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि हम जो भी आहार लेंगे अवशोषित तो आंतों के द्वारा होगा, इसलिए आंतों का लीवर का ठीक होना बहुत जरूरी है, इसलिए कपालभाति प्राणायाम सबके लिए कंपल्सरी है। दूसरा फ्लैक्सीड, अलसी के बीज किसी न किसी रूप में, जैसे उनको थोड़ा भून लेते हैं नमक में तो खाने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, खाने के बाद जैसे गुजराती लोग मुखवास खाते हैं ऐसे खा सकते हैं, उसका पाउडर करके उसको दही में ले सकते हैं अथवा ऐसे ही उसकी फांकी मार के ले सकते हैं। और अंकुरित, जो भी अंकुरित है, मूंग है, मोठ है, चना है, गेहूं है, जो भी अंकुरित अन्न है उसमें जो अंकुरण फूटता है उसे विटामिन डी और विटामिन B12 दोनों की पूर्ति होती है, तो अंकुरित लिया करें। और कम से कम एक घंटा धूप में जरूर बैठा करें, और वो सुबह सुबह की धूप हो तो बहुत अच्छा होगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। और मैं इसका लाइव एग्जांपल हूं, मैंने कहा कि जैसे पिछले करीब 18 वर्षों से मैंने अनाज नहीं खाया था, अभी बहुत लोगों ने ज्यादा फोर्स किया तो थोड़ा बहुत लेना शुरू किया है, तो मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है और सारे टेस्ट एकदम नॉर्मल बिकॉज ऑफ प्राणायाम। इसलिए प्राणायाम कीजिए और थोड़ा सूर्य की धूप में बैठिए, सदा स्वस्थ रहेंगे, कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। बाबा जी आप बहुत अच्छी बातें योग को लेकर बता रहे हैं, लेकिन चूंकि बाबा रामदेव मंच पर हो और योग की चर्चा तो चलेगी ही क्योंकि आप और योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल भी जो देश में ज्वलंत है वो भी आपसे दर्शक जानना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है ये शख्स, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बकायदा उन्होंने लिख कर रखा हुआ है। बाबा जी मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है, वैसे तो मैं आपसे बाहर ही मिला और मैंने आपको अपना पर्चा दे दिया और आपने पहचाना कि मैं मुजफ्फरनगर शामली से बिलोंग करता हूँ। बाबा जी मैं वैसे तो PhD किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, लेकिन सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है जी, हम जो योगी लोग होते हैं उनकी देशभक्ति किसी से छिपा नहीं है और उसका जीता जागता एग्जाम्पल आप है, लेकिन हमारे देश में 3 मूलभूत समस्या है जिनके विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली समस्या जनसंख्या, दूसरी समस्या पर्यावरण और तीसरी समस्या शिक्षा। मैं ये देखता हूँ कि आप समस्याएं आपकी आपकी बात आ गई, सवाल समस्या। पहली समस्या जनसंख्या, बाबा रामदेव से जनसंख्या का कोई खतरा नहीं है और मैं दूसरों से भी प्रार्थना करता हूं, भाई 125 करोड़ लोग पैदा हो गए हैं, थोड़े दिन यदि ब्रेक लगा दो तो बहुत मेहरबानी होगी, और यदि पैदा भी करने हो तो 1-2 पैदा करो, और पैदा करने के बाद ये भी सोचो कि उन बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी देना है, आगे उनको लाइफ में स्टेब्लिश भी करना है, उनके कैरियर का भी ख्याल रखना है, तो उतने ही बच्चे पैदा कीजिए जितनों को आप अच्छे से एजुकेशन दे सकें, अच्छे से उनको फूड दे सकें और जीवन में उनको आप सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का हक दिला सकें, इतने बच्चे पैदा कीजिए। बिल्कुल। और दूसरी बात रही पर्यावरण की, पर्यावरण बहुत बड़ी समस्या है, उसके प्रति हमें जागरूक इस रूप में रहना चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और बहुत सिंपल सी बात है, क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है, ऐसा यदि हम सोचें तो हमारा जो कंजम्पशन है, जो हम कंज्यूम करते हैं चीजों को, उपभोक्ता जो हम बन गए हैं, कम से कम चीजों का इस्तेमाल करें। यदि 4 कपड़े में गुजारा हो सकता है तो 400 साड़ियां ना खरीद के लाएं, और यदि किसी के पास में ज्यादा कपड़े हों तो गरीबों को बांट देना, जितना कम से कम हो सके उसमें अपना गुजारा करो, और उसके बाद आपके पास में जितना भी आए, जैसे हम लोगों के पास भी बहुत आया, उसको सेवा में लगाओ, आपका भी उद्धार हो जाएगा, देश का और गरीब का भी उद्धार हो जाएगा। पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, माने अपने से जितना बन पाए उतना इस सृष्टि के लिए अच्छा करो, क्योंकि इस पूरे अस्तित्व ने हमारे व्यक्तित्व को बनाया है। बिल्कुल, ये एक हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए पूरी नेचर के, मदर के प्रति। और अंतिम बात एजुकेशन की, ये सच है कि देश में शिक्षा और संस्कारों के साथ शिक्षा की बहुत जरूरत है, इसमें सभी जो समर्थ लोग हैं उनको कार्य करना चाहिए। मैंने कहा भी कि मनुष्य का निर्माण और वो इसमें योग, अध्यात्म और शिक्षा बहुत बड़ा उसका योगदान है, उसमें सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। हम भी पतंजलि का जो जितना भी प्रॉफिट है और होगा उसका 70-80% एजुकेशन पर ही खर्च करेंगे, बाकी रिसर्च पर और गो माता और भारत माता की सेवा पर। सब लोगों को ऐसा सोचना चाहिए। बिल्कुल, एक अच्छी सोच। कुछ और सवाल ले लेते हैं। बाबा जी आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और साधुवाद देता हूं कि आपने योग को AC से निकालकर गरीब की झोपड़ी तक पहुंचाया।
मेरा आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न है और जो सभी लोगों का प्रश्न हो सकता है कि आज के आधुनिक युग में हम इतनी भागम भाग में लगे हुए हैं कि योगा की तरफ क्या हम अपने जीवन को भी सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं चला पाते हैं। छोटा सा प्रश्न है, सबका होगा, मुझे जानकारी है। बोलिए बोलिए। कि रात्रि काल में जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के उपरांत मुझे नहीं लगता कि कोई लोग वॉकिंग के लिए निकलते हों, तो इतना स्ट्रेच है जल्दी सोना सुबह, क्योंकि जल्दी जगना है बच्चों को शिक्षा के लिए, छोटे छोटे बच्चों को लेके भागते रहते हैं। तो मेरे एक ही प्रश्न है कि भोजन करने के उपरांत कोई अगर योगा है तो मेरी बहन भाइयों को जरूर बताएं। चलो, भोजन के बाद ऐसे बैठना चाहिए, देखो पैर मोड़ के और एड़ियां बाहर पंजे अंदर, ये वज्रासन हो गया। भोजन के बाद ऐसे बैठने से डाइजेशन अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो पिंडलियां है ना, इनका सीधा संबंध हमारी आंतों से होता है। तो ऐसे बैठने मात्र से 100 साल तक तो आपके घुटने अच्छे रहेंगे और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, आपकी कमर भी सीधी रहेगी। नहीं तो ज्यादातर लोग ना ऐसे झुक के बैठते हैं तो थोड़े दिनों में L4-5 में प्रॉब्लम आ जाती है, सर्वाइकल स्पोलाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, शैटिका और लोमोस्पोलाइटिस। इसलिए जहां तक हो सके आप जब अवसर मिले, जापान में मैंने देखा वहां ज्यादातर लोग ऐसे जमीन पर बैठते हैं और अपने आप ही ऑटोमेटिक वज्रासन लग जाता है। तो ये बहुत अच्छा आसन है, इसमें बैठने का अभ्यास करो और खाने के बाद जरूर इसमें बैठा करें। यदि वक्त मिले तो शाम को खाने के बाद थोड़ा टहलना जरूर चाहिए और सुबह टहलना नहीं चाहिए। जो बहुत बीमार कमजोर लाचार है वो टहलें तो अच्छी बात है, सुबह दौड़ना चाहिए। हमारे यहाँ जिसको देखो वही कुटर पुटर ऐसे चलते रहेंगे, ये कोई तरीका? मैंने अरे जवान आदमी है तो उसको तेजी से ऐसे चलना चाहिए, ये जरा चिकना फर्श है, तेजी से चलो। और जो है जो जवान आदमी उसको दौड़ना चाहिए, और जवान आदमी को तो थोड़ा सा दंड बैठक भी लगाना चाहिए, सुबह उठ करके थोड़ा ऐसे दंड बैठक लगाओ, ऐसे लगाना चाहिए जवानों को। और जवानों को थोड़ा ये भी करना चाहिए, थोड़ा 25-50 बार ऐसे करो, इससे भुजाएं मजबूत बन जाएंगी, इस तरह से कर लो। और जवानों को तो मैं कई तरह की एक्सरसाइज बताता हूँ, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, चलिए ऐसे भी करना चाहिए। सब जवानों को सुबह उठ करके थोड़ा पसीना बहाना चाहिए सबको। जवानों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, हिंदुस्तान जवान देश है और करीब करीब 60% यहाँ पर युवा कहे जाते हैं, लेकिन पड़े पड़े सोते रहते, पाते रहते सुबह सुबह, अपान वही छोड़ते रहते हैं। सुबह सुबह ऐसे थोड़ा करना चाहिए। और जो जवान उनको तो ऐसे ना ये चक्कर दंड भी लगाना चाहिए इस तरह से और इस तरह से, और बन पाए तो ऐसे ये मारना चाहते। मैं कह रहा था सुबह एक नियम ले लो कि एक बार मुझे पसीने से नहाना है। मैं ये रोज काम करता हूं, अभी करके आए हो, अब दोबारा कर रहा हूं। सुबह एक बार पसीने से नहाया करो, 100 साल की गारंटी है आप बूढ़े नहीं होंगे और आप बीमार नहीं होंगे। एक बार पसीने से नहा। कुछ और सवाल है सर? बाबा जी, मैं वैसे तो 15-20 साल से योगा कर रही हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, लेकिन बस मैं ये एक क्वेश्चन आपसे रेज कर रही हूँ कि सारी देशवासियों के लिए, उन लोगों के लिए जो शराब सिगरेट और तंबाकू खाते हैं और जो कि बहुत हार्मफुल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ ऐसा कोई योग है जिससे कि इन देशवासियों से इससे छुटकारा मिल सके? महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने अभी जवानों के लिए भी बताया कि जो जवान सुबह उठ करके दौड़ लगाएगा, खेलेगा, सूर्य नमस्कार करेगा, कसरत करेगा, ड्रग एडिक्शन होगा ही नहीं। एक आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूं, एक्सरसाइज करने से, दौड़ने से, खेलने से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच घट जाते हैं, बीटा इंडोरफिन का लेवल बढ़ जाता है। ये जो बीटा इंडोरफिन है इसका जो केमिकल वैल्यू है वो मॉर्फिन जैसा होता है, मॉर्फिन होता है अफीम में। तो सुबह एक बार जो योगाभ्यास कर लेंगे, दौड़ लगा लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, उनको तो ऐसा एक नशा सा चढ़ जाता है। जैसे मुझे 9 साल की उम्र में नशा चढ़ा था, आज तक उतरा ही नहीं है। ये 9 साल की उम्र में चढ़ा था नशा, आज तक उतरा नहीं है। ऐसे ही जो योग, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज का नशा चढ़ जाता है तो नशा करने की इच्छा ही नहीं होती। और जो भी नशा करते हैं उनको थोड़े दिन तक कपाल भाती है, अनुलोम विलोम ही करवा दीजिए, नशा करने की इच्छा ही नहीं होती है। ये आपको मैंने जो लाखों लोगों पर एक्सपीरियंस किया वो बता रहा हूं। तो योग जो है वो रोग मुक्ति के साथ नशा मुक्ति का भी एक बहुत बड़ा मंत्र है।
बहुत अच्छी बातें बाबा रामदेव जी ने आपने बताई यहाँ पर, और उम्मीद यही कि इस सभागार में जितने लोग मौजूद हैं उनके साथ ही जो लाखों करोड़ों दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हैं उन्हें इससे बहुत लाभ होगा। और जाहिर तौर पर योग है ही इसलिए ताकि हम अपने जीवन में पूरी तरह से निरोगी रह सके, और उसका प्रचार प्रसार सालों से बाबा रामदेव की ओर से लगातार किया जा रहा है। इसके लिए बहुत शुक्रिया आप एबीपी न्यूज के योग सम्मेलन के मंच पर आए। और फिर से मैं एक बार बधाई देता हूँ कि हमने अलग अलग प्रकार के सम्मेलन तो बहुत देखे थे, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन, वैश्य सम्मेलन, फिर अहीर जाट गुजरों के जातियों के सम्मेलन, फिर व्यापारियों के सम्मेलन। ये एबीपी न्यूज ने योग सम्मेलन की जो पहल की उसके लिए बहुत बहुत बधाई। योग से जी, योग से इस देश का सौभाग्य जगेगा, सबको स्वास्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। और जो एबीपी का जो स्लोगन है ना, आपको रखे आगे, तो सच में जो योग करेगा वो जिंदगी में सबसे आगे रहेगा, और आपको आगे रखने का काम एबीपी कर रहा है। बहुत बहुत बधाई, आपको रखे आगे और हर खबर पर पकड़ के साथ भी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जो योग सम्मेलन एबीपी न्यूज की ओर से किया जा रहा है उसको लेकर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है, और एबीपी न्यूज की इस पहल का उन्होंने स्वागत किया है, उन्होंने धन्यवाद दिया है और बधाई भी दी है। इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति भी आभार और बाबा रामदेव के प्रति भी, जो इस वक्त एबीपी न्यूज के इस योग सम्मेलन के मंच पर मौजूद रहे। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद, और बाबा रामदेव ने विशेष तौर पर यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सभी को योग सिखाया, इसके लिए भी सर बहुत शुक्रिया। एक बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।